नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, सबसे बढ़िया राज्य सरकार इस देश की कौन सी है? आप अलग अलग नाम लीजिएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि कर्नाटक से बेहतरीन राज्य सरकार इस देश में है ही नहीं। अगर आपको शक है तो वहां की शिक्षा व्यवस्था देखिए, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, और दूसरे मुद्दे देखिए, कर्नाटक की अस्मिता के बारे में देखिए, कितना बेहतरीन काम किया है। अब मैं एक एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। सबसे पहले आते हैं शिक्षा पर। शिक्षा में कर्नाटक की सरकार ने इतना बेहतरीन काम किया है कि 8000 सरकारी स्कूल 15 अगस्त को ब्लैक डे मना रहे हैं, काला दिवस। वजह? सरकारी स्कूलों का कहना है कि शिक्षा मंत्रालय हर रोज इस तरह के फरमान जारी कर रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि नियम कायदा है क्या। एक दिन कुछ और कहता है, अगले दिन कुछ और कहता है। हम कंफ्यूज हैं, टोटली कंफ्यूज। इसके अलावा सरकारी स्कूलों ने और प्राइवेट स्कूलों ने, कर्नाटक के दोनों ने, शिक्षा मंत्रालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की है और कहा है कि इतना करप्ट सरकार आज तक हमने देखी नहीं, काम करना मुश्किल हो रहा है। यह कर्नाटक की शिक्षा व्यवस्था का हाल है। आप बोलिए कि प्रूफ क्या है? ब्लैक डे तो यूं ही मना सकते हैं ना, 8000 स्कूल। तो एक तस्वीर आई थी, यह दूसरी घटना है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय से ही जुड़ी हुई है, कर्नाटक के ही शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई है। अब हुआ क्या कि बच्चों को मिड डे मील खाना देना था, खूब बढ़िया से अरेंज करवाया, कैमरे वैमरे लग गए, बस सब खाना अच्छा खाना था जी, अंडा उंडा सब था। लेकिन पता चला वीआईपी गए, कैमरा ऑफ हुआ, एक एक करके अंडा वापस मांगना शुरू किया कि अंडा किधर खाओगे बच्चे, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, वापस दो। वो तो संयोग से कुछ कैमरे ऑन रह गए थे और उन्होंने देखा कि अरे जी, मंत्री जी के तो जाते ही अंडा वापस लेना शुरू कर दिया। सरकारी स्कूल के बच्चे अंडा खाएंगे? गरीब बच्चे कहीं के, और वो भी कांग्रेस सरकार में। ये था शिक्षा मंत्रालय। अब स्वास्थ्य मंत्रालय पे आते हैं। कर्नाटक सरकार ने फरमान सुनाया है कि जितने भी वहां सरकारी अस्पताल हैं, वहां जन औषधि केंद्र बंद कर दिए जाएंगे, जन औषधि नहीं मिलेगी। अंग्रेजी में जेनरिक मेडिसिन कहते हैं जिसे, मतलब कंपोजिशन वही रहता है जो कि प्राइवेट कंपनियां बनाती है, लेकिन ये थोड़ा सस्ता मिलता है, असर बराबर है दोनों का। तो गरीबों को सस्ती दवाएं मिल जाए सरकारी अस्पतालों के आसपास, कर्नाटक की सरकार ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि हटानी तो गरीबी है। अब उस गरीबी हटाने में कभी गरीब भी हट जाते हैं तो क्या दिक्कत है। तो कर्नाटक के सरकारी अस्पतालों के आसपास या उनके प्रेमाइसेज में जन औषधि केंद्र बंद किए जाएंगे। ये है स्वास्थ्य में परफॉर्मेंस। और आप डिपार्टमेंट बताते जाइए, मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स ने चिट्ठी लिखी है कि भाई कमीशन बहुत मांगा जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक के जो जिलों में सूखा पड़ा था, लेकिन सरकार मुसलमानों को, ट्रस्ट को पैसे दे रही थी, लेते जाओ कोई दिक्कत नहीं, अपने ही बाप का माल समझो। अब आते हैं कर्नाटक स्मिता, जिसपे बेहतरीन काम किया है सिद्धारमैया ने। हुआ ये कि अपने 20 जगह से फटे पड़े हैं, पैबंद लगे हैं, लेकिन कर्नाटक सरकार केरल के वायनाड में जो बाढ़ आया है ना, उसके लिए फंड जारी कर रही है। वजह? प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना है जी केरल से, और जहां गांधी परिवार का चुनाव लड़ेगा तो कर्नाटक सरकार का फर्ज नहीं है कि वहां उनको फंड दे। कर्नाटक में वित्तीय स्थिति खराब है ना, राज रसातल में जा रहा है ना, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमराई हुई ना, लेकिन केरल में तो, वायनाड में तो प्रियंका गांधी लड़ रही हैं, तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का यह फर्ज है कि उसके लिए फंड जारी करे, और किया भी। ये हाल है। तो है ना सबसे बेहतरीन राज्य सरकार? अगर आपको फिर भी नहीं लगता है तो कमेंट कर बताएं कि उससे भी बढ़िया काम कौन राज्य सरकार कर रही है। हमारे पास कर्नाटक के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आए हैं, इसलिए हमने कहा आपके पास कुछ और दस्तावेज प्रमाणिक हों जो कि इससे भी कोई बेहतरीन राज्य सरकार है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।